आइए पंच परमेश्वर का आदेश दौर महाभारत और कथा वीर उसी बात को ध्यान में रखते हुए बड़ी ही सुंदर रचना आप श्रवण करेंगे। जो अगर चाहते तो एक पल में महाभारत कर देते, एक तरफ कर्ण और दूसरी तरफ अर्जुन खड़े हुए। आज दोनों में घमासान युद्ध होता है। आज अर्जुन ललकारते कर्ण को, कहा कर्ण आज तुम्हारे सामने दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर खड़ा है। आज ललकारते हैं और सामने आ जाए तो कलेजा निकाल लेते हैं। तेरी क्या औकात जो हमसे टकराएगा, एक ही वार में दुश्मन को मार देते हैं। कि हमसे हमसे उलझना रणभूमि में तेरे बस की बात नहीं, और बड़ी बड़ी क्यों बातें करता लड़ने की औकात नहीं। कि शिकार शिकार करने आए हो, शिकार होके जाओगे। आज ललकारते हुए अर्जुन कर्ण से कहने लगते हैं कि कर्ण हेलो समर में आ गया काल सर छा गया, समर में आ गया काल सर छा गया, समर में आ गया काल सर छा गया। यूं जाना मुँह न चलाओ नाया से हमें दिखा, समर में आ गया काल सर छा गया, समर में आ
अपने बल का आज तेरा सामना अर्जुन से हुआ है। ओ सारी अकड़ निकाल दू तकरारी करके दे, सुन करके भाग जाते हैं जो भी समर में आते हैं, सुन करके भाग जाते हैं जो भी समर, सुन करके भाग जाते हैं जो भी समर में आते हैं। और सर से पसीना छूटता थर थर वो कांप जाते हैं, अज तीर चलल अज बल अज बल अज तीर चलल बचे जाने ना। कहा कर तिलक तिलक तिलताना तिलक 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 तिलताना से जो भी ला।
आजा लड़ ले आजा लड़ ले अपने बल पर बड़ा अहंकार है। आज कर्ण भी ललकारने लगते हैं, दोनों तरफ से तीरों की बरसात होती है। कर्ण कहने लगते हैं अर्जुन से कि अर्जुन ए हम सा कोई मर्दाना यहां वीर नहीं है, और जो भेद सके ऐसा कोई तीर नहीं है। ए हम सा कोई मर्दाना यहां वीर नहीं है, और जो भेद सके ऐसा कोई तीर नहीं है। पूर्व उप सरपंच ग्राम पंचायत फूल गोहान, आपकी ओर से 10 रुपए का आशीर्वाद। सम्मान्य हमारे मनोहर सन्नेकर पूर्व उप सरपंच, आपकी ओर से भी 10 रुपए का आशीर्वाद। तीर चलते हैं, देखिए क्या होता है। संग्राम करते हैं क्या बात, संग्राम करते हैं नहीं तुमसे डरते, संग्राम करते हैं नहीं तुमसे डरते, संग्राम करते हैं नहीं तुमसे डरते हैं। लगा कितना हो,
तीरों की बरसात होती है। सारा रण मैदान इस जंग को देख करके दंग रह जाता है। ये करण अर्जुन की लड़ाई है। ये संग्राम करते हैं, कर्ण का पहिया जमीन में धस जाता है। भगवान श्याम सुंदर के इशारे पर अर्जुन कर्ण का वध कर देते हैं। यही कथा का अंजाम